सूरा मेरे मज पम्मा डठन बिर मनी सिखा पदिंग समाधियानी सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय संगम नमामि। इस सप्ताह के जय भीम समाचार की तरफ हम बढ़ते हैं। आरबीआई ने की हुई ब्याज दर बढ़ोतरी, महंगाई का चढ़ता दर, इस कारण विकास की गति धीमी होगी, ऐसा कयास लगाकर फिच जागतिक पत मानांकन संस्था ने भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ने का 7.8% पहले का कयास घटाकर 7% रहेगा तथा अगले आर्थिक वर्ष में विकास दर 7.4% से घटकर 6.7% रहेगा ऐसा कहा है। थोक महंगाई दर 12.41% जो पिछले 11 महीनों की तुलना में सबसे निचला था, पर खुदरा महंगाई दर जो उपभोक्ताओं के द्वारा सर्वाधिक उपभोग लेने वाले वस्तुओं के कुल कीमतों की भारित सरासरी होता है और सामान्य जनों पर जिसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है वह 7% है। आरबीआई ने बताए धोखादायक स्तर के वह काफी ऊपर है, अर्थात महंगाई की मार आगे भी पड़ने वाली है। रुपया अगस्त में 80.13 ऐसा डॉलर की तुलना में ऐतिहासिक तलों में था, जिसको सवारने के लिए आरबीआई ने अपने खातों से 13 अरब अमेरिकन डॉलर खर्चा किए थे। इस कारण जनवरी 2022 में 633 बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार से घटकर 553 बिलियन डॉलर पर आ गया है। इसमें 80 अरब डॉलर की कमी आई है। अगले अगस्त महीने में यह 21 अरब डॉलर घटा था। अगस्त में निर्यात थी 33 बिलियन डॉलर और आयात थी 61.68 बिलियन डॉलर, यानी चालू खाते का घाटा था 28.68 बिलियन डॉलर। आपको ज्ञात ही होगा कि इस टूट की क्षतिपूर्ति विदेशी चलन से ही होती है जो दिन ब दिन घट रहा है। एक्सिम बैंक दक्षिण अफ्रीका 12 लाख जनसंख्या वाले देश की बैंक, इसकी मुंबई शहर में शाखा है जिसका मकसद स्टार्टअप स्टैंडअप परियोजना के लिए वित्त पुराने का था। इस बैंक ने भारत सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए 1.60 अरब रुपए का कर्जा दिया है। आरबीआई नोटिफिकेशन 8 मार्च 2022 की खबर। भूतपूर्व राष्ट्रपति माननीय कोविंद जी ने कहा है कि 20 करोड़ जनता को सरकार ने राशन का अनाज दिया। एक तरफ ऐसी स्थिति तो दूसरी तरफ अदानी बने विश्व के दूसरे बड़े दौलतमंद शख्स। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र जी के मृत्यु उपरांत उनका कमरा सील किया था, अब वह खोला गया है, जिनमें से 3 करोड़ कैश, 50 किलो सोना, 10 क्विंटल देसी घी, 13 कारतूस मिले हैं। यानी 80 करोड़ जनता राशन का अनाज खाती है तो चंद लोगों की 10 उंगलियां घी में है। जागतिक भूख निर्देशांक 2021 में 111 देशों में हम 55 स्थान से फिसल कर 101वें स्थान पर है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 146 देशों में हम 136वें स्थान पर है। कोरोना की दूसरी लहर में बड़ी मात्रा में हुए मौतों के लिए केंद्र की आत्मसंतुष्टता और उदासीनता जिम्मेदार है, ऐसी फटकार संसदीय समिति ने लगाई है। खुशपुट की आवाज 30 डेसिबल, सादी बातचीत की आवाज 60 डेसिबल, दौड़ती टू व्हीलर के इंजन का आवाज 95 डेसिबल होता है। ध्वनि का स्तर 70 डेसिबल के ऊपर होता है तो वह धोखादायक होता है, किंतु महाराष्ट्र में अभी अभी खत्म हुए उत्सव में आवाज स्तर 100 से 110 डेसिबल के ऊपर सर्रास था। 100 डेसिबल आवाज गोंगाट प्रकार में आता है जिससे सुनने की शक्ति क्षीण होती है, तो 120 डेसिबल आवाज कान को पूरी तरह निकामी कर देता है। परंतु सरकारी समर्थन का मामला बारिश ने धोया और सरकार ने मारा तो न्याय किससे मांगे।
इंस्टेंट लोन ऐप के माध्यम से चीन ने 2.70 लाख करोड़ रुपए अपने देश में भेजे, यह खबर कुछ सप्ताह पूर्व हमने देखी थी। उससे ही समानांतर खबर, बिना कागजात के फटाफट 2 मिनट में लोन मंजूर करने वाले लोन ऐप ने पिछले 2-3 सालों से अपना जाल फैलाया है। आरबीआई की रिपोर्ट अनुसार कुल 81 ऐप स्टोर में के 1100 लोन ऐप फर्जी थे, जिनका कनेक्शन चीन से था। यह ऐप डाउनलोड करते समय कॉन्टैक्ट इमेज एक्सेल की अनुमति मांगता है और 2000 से 10,000 तक का लोन देता है। प्रोसेसिंग फी के नाम पर मोटी रकम काटकर 70 से 80% राशि कर्जदार के खाते में डाली जाती है। इस पर भारी ब्याज लगता है। लोन समय पर नहीं दिया तो धमकियां, ब्लैकमेलिंग, मार्फ्ट नग्न तस्वीरें रिश्तेदारों को भेजना, ऐसी मानसिक यातनाएं दी जाती है जिसका शिकार कई लोग हुए हैं। कईयों ने तो आत्महत्या भी की है। एनसीआरबी की रिपोर्ट अनुसार 2020 में साइबर क्राइम के 50,035 मामले थे, जिनमें से आर्थिक धोखाधड़ी के 30,142 मामले थे, यानी 60.2%। अपने कोई संबंधी इसमें फंसे है तो उन्हें हौसला देना हम सबकी जिम्मेदारी है। आरएसएस रूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी अफवाह फैलाने वाली संगठना है। संघ एवं भाजपा हमेशा द्वेष की राजनीति करती है, ऐसा कांग्रेस प्रवक्ता गंगाधर गाडगिल जी का आरोप। बिल्किस बानो प्रकरण में गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने भेजी नोटिस। महाराष्ट्र के नाम निर्देशित एमएलसी का मुद्दा गया कोर्ट में। कुनो में भेजे गए नामीबियाई चीते इस सप्ताह की ध्यान खींचने वाली खबरें थी। अब पूर्ण रूप खबर की तरफ बढ़ते हैं। अपने नजाकतदार खेल से, लुभावने व्यक्तिमत्व से, असीम ऊर्जा और अचंभित करने वाली तंदुरुस्ती से 2 दशकों से जगभर की टेनिस विश्व में नाम गड़ाने वाले बेहतरीन खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने स्पर्धात्मक टेनिस से निवृत्त होने की घोषणा की है। 8 विंबलडन, 6 ऑस्ट्रेलियन, 5 अमेरिकन, 1 फ्रेंच अजिंक्य पद जीतने वाला यह टेनिस का बादशाह था। सांघिक यश की तुलना में वैयक्तिक कौशल्य का स्तोम इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में है। 5 विकेट पर 98 रन संख्या की कगार पर भानुका राजपक्षे की 45 गेंदों में नॉट आउट 71 रन की पारी। उनको मिला विनिदु हसन हसरघा का साथ। हर सामना अंतिम सामना ही है ऐसा खेलकर किसी इक्का दिक्का खिलाड़ी के कौशल पर निर्भर न रहते हुए श्रीलंका के जिगरबाज खिलाड़ियों ने क्रिकेट के मैदान में दिखाई हुई संघ भावना और इसी संघ भावना के बलबूते पर आशिया कप पर गड़ाया गया थरारक जगजगता विजय। संघ भावना अचूत होती है और उसे जीत का परचम लहराता ही है, यह फिर से सिद्ध करती है। तभी तो हम सब समन भाई बहन संघ भावना की प्रेरणा ऊर्जा शक्ति को नापते हुए ही तो जुड़ते हैं। इसी संघ भावना के बलबूते पर लखीमपुर खीरी की 2 दलित बहनों के अत्याचार पर हम लड़ेंगे। केवल यही नहीं, यही एक मामला नहीं, भविष्य में आने वाले सभी संकटों पर हम संघ भावना संघ शक्ति से ही जीतेंगे, यही आशा के साथ आप सभी का धन्यवाद, आप सभी के सहकार्य धन्यवाद। आपका नम्र आशीष धम्मदर्शी, समन संघ, यवतमाल, महाराष्ट्र। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धमकी वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं।
आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। साधु साधु।